आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि कंट्रोल सिस्टम क्या होता है और देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कंट्रोल, कितने टाइप का कंट्रोल मेरे पास होता है। ठीक, पिछले क्लास तक हम लोग ऑटोमेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज का लेक्चर जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहां से आपको समझ में आएगा कि कंट्रोल कितने टाइप का होता और उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग क्या है। तो हम पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कंट्रोल सिस्टम होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में फैन है, अगर आपके घर में फैन है तो आप क्या करते हैं, एक्चुअली जो सीलिंग फैन होता है या जो टेबल फैन होता है, तो उसके स्पीड को क्या होता है, कभी कभी कम और ज्यादा करना पड़ता है। तो कभी कभी कम और ज्यादा करना पड़ता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रेगुलेटर से उसके स्पीड को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ये उसके वोल्टेज को हम क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो उसका स्पीड क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो अगर आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि उसके उसके वोल्टेज को कंट्रोल करके उसके स्पीड को क्या कर रहे हैं, कम, उसके स्पीड को कम और ज्यादा कर रहे हैं। उसका स्पीड जो मेरा है वो इनपुट है या उसका आउटपुट है। अगर अगर फैन है मेरे पास, उसका स्पीड हम कम और ज्यादा कर रहे हैं, तो उस फैन का जो स्पीड है वो आउटपुट वाला पार्ट है सिस्टम का या इनपुट वाला पार्ट है? आउटपुट वाला पार्ट है ऑफ कोर्स। तो आउटपुट को अगर आपको रेगुलेट कर रहे हैं किसी के थ्रू, किसी कमांड के थ्रू, तो अगर आपका आउटपुट रेगुलेट हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि उस सिस्टम को हम अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर रहे हैं। नहीं, उस सिस्टम को हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक, तो कंट्रोल सिस्टम का मतलब ये हुआ कि इट इज द इंटरकनेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, इट इज द इंटरकनेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स विच रेगुलेट्स द आउटपुट, विच रेगुलेट्स द आउटपुट और विच गिव्स द डिजायर्ड आउटपुट, विच गिव्स द डिजायर्ड आउटपुट। मतलब वैसा सिस्टम, वैसा इंटरकनेक्शन ऑफ सिस्टम कंपोनेंट्स जो जो हमको क्या देता हो, डिजायर्ड आउटपुट देता हो, जो हमको क्या देता हो, डिजायर्ड आउटपुट देता हो और जो आउटपुट को कंट्रोल करता हो, आउटपुट को रेगुलेट करता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे कि मेरा क्या है, कंट्रोल सिस्टम है, मेरा क्या है, कंट्रोल सिस्टम है। और इसको हम ऐसे इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि सेट ऑफ डिवाइसेस दैट मैनेजेज कमांड्स और डायरेक्ट्स और रेगुलेट्स द बिहेवियर ऑफ ए डिवाइस। बिहेवियर ऑफ ए डिवाइस करने का मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई जरूरी है थोड़ी है कि हम किसी भी सिस्टम के स्पीड को ही हम चेंज करें, उसके स्पीड को ही कंट्रोल करें। हो सकता है मेरे पास कुछ और डिवाइस हो, उसका स्पीड ना कंट्रोल करके उसके टेम्परेचर को हम कंट्रोल कर रहे हैं, उसके टेम्परेचर को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। हो सकता है उसके मोशन को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, लीनियर मोशन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो बहुत तरीके का सिस्टम का बिहेवियर हो सकता है और जब हम उसके बिहेवियर को रेगुलेट करेंगे, उसके बिहेवियर को रेगुलेट करेंगे बाय गिविंग सर्टेन कमांड्स, बाय गिविंग सर्टेन कमांड्स, तो हम उस सिस्टम को बाय गिविंग सर्टेन कमांड्स टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट, उस सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे कि ये मेरा वन टाइप ऑफ क्या है, कंट्रोल सिस्टम, वो मेरा क्या है, वन टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम है। तो अगर हम बात करें कंट्रोल सिस्टम का, अगर हम बात करें कंट्रोल सिस्टम का, तो कंट्रोल सिस्टम का प्राइम ऑब्जेक्टिव, कंट्रोल सिस्टम का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव मतलब मेन मकसद क्या है कि हमको डिजायर्ड आउटपुट मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए हमको, डिजायर्ड आउटपुट मिलना चाहिए। इसको हम ऐसे ही बोलते हैं, डिजायर्ड रिस्पॉन्स हमको मिलना चाहिए, डिजायर्ड रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स कहें या आउटपुट कहें, दोनों आपका क्या है, सेम मीनिंग है। ठीक, तो प्राइम ऑब्जेक्टिव किसी भी कंट्रोल सिस्टम का क्या है, क्या होता है, मेरा डिजायर्ड आउटपुट होता है, क्या होता है, मेरा डिजायर्ड आउटपुट होता है। ठीक, तो ये चीज आपका समझ में आ गया कि कंट्रोल सिस्टम मेरा क्या होता है। जैसे कि हम और एक चीज से समझते हैं, मेरे पास एसी ही है, एयर कंडीशनर अगर है तो उसमें हम लोग क्या करें, टेम्परेचर को कंट्रोल करें। पिछले दिन भी हम एग्जाम्पल में आपको समझाए थे कि टेम्परेचर कैसे कंट्रोल हो रहा है, 26 पे अगर हम सेट कर दिए तो आफ्टर सम टाइम्स क्या देखेंगे कि वो जो एयर कंडीशनर है वो रूम के टेम्परेचर को कितना मेंटेन कर देगा, 26 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर देगा। और दूसरा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जो हम लोग के घर में इलेक्ट्रिक आयरन होता है, इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक आयरन जो होता है, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, सेट कर देते हैं कि हमको कॉटन प्रेस करना है या सिल्क प्रेस करना है या वूल प्रेस करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ
जो कपड़ा होता है मेरा उसको अगर हम सेट कर देते हैं तो टेम्परेचर आपका क्या होता है, मेंटेन रहता है उसी जगह पे। अगर उससे ज्यादा आपका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो ये भी आपका क्या है, वन टाइप ऑफ कंट्रोल है, ये भी आपका क्या है, वन टाइप ऑफ कंट्रोल। तो अगर हम कंट्रोल सिस्टम को डिवाइड करना चाहेंगे, अगर कंट्रोल सिस्टम को हम डिवाइड करेंगे तो हम उसको दो पार्ट में अलग अलग कर सकते हैं। ठीक, दो पार्ट में हम लोग उसको अलग अलग कर सकते हैं। पहला पहला ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। एंड सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं क्या, सॉरी सेकेंड टाइप आपका क्या होगा, क्लोज लूप, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, और साथ में इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम लोग देखेंगे आज के इस लेक्चर में। ठीक, तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को अगर हमको समझना है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को अगर हम समझना है तो एक हम ब्लॉक डायग्राम बना रहे हैं, एक ब्लॉक डायग्राम बना रहे हैं। ठीक, देखिएगा ये मेरा कंट्रोलर वाला पार्ट हो गया, ये मेरा सिस्टम वाला पार्ट हो गया सिस्टम, और इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोसेस, और इसको हम लोग बोल सकते हैं प्लांट। ठीक है, और इस सिस्टम का क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। ठीक, और ये मेरा क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कंट्रोलर, कंट्रोलर। ठीक, ये मेरा जो है ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है। तो जब ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होगा तब मेरे पास क्या क्या होगा, एक सिस्टम होगा, एक सिस्टम होगा, और उसको कंट्रोल करने के लिए मेरे पास क्या होगा, एक कंट्रोलर होगा। सिस्टम होगा, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होगा, मेरे पास एक कंट्रोलर होगा। और इनपुट जो होगा हम किसको देंगे, कंट्रोलर को देंगे। इनपुट जो होगा हम किसको भेजेंगे, कंट्रोलर को देंगे। तो कंट्रोलर अपने कंट्रोल एक्शन के अकॉर्डिंग सिस्टम को इनपुट भेजेगा, सिस्टम को इनपुट भेजेगा। ठीक, और उसके अकॉर्डिंग सिस्टम का हमको आउटपुट मिलेगा, आउटपुट हमको मिलेगा। तो इस ब्लॉक डायग्राम में हम देख रहे हैं क्या कि आउटपुट जो मेरा है, आउटपुट का कोई भी इंफॉर्मेशन हम इनपुट को नहीं भेज रहे हैं, आउटपुट का कोई भी इंफॉर्मेशन हम इनपुट को नहीं भेज रहे हैं। दैट मीन्स ये जो कंट्रोलर जो होगा और कंट्रोल एक्शन जो सिस्टम को प्रोवाइड करेगा, टोटली बेस्ड अपॉन द इनपुट, टोटली बेस्ड अपॉन द इनपुट, इनपुट के ऊपर टोटली बेस्ड होके कंट्रोलर कंट्रोल एक्शन से सिस्टम को कंट्रोल करेगा। दैट मीन्स ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द सिस्टम विच विच कंट्रोल एक्शन इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स आउटपुट। मतलब जिसका कंट्रोल एक्शन आउटपुट से टोटली इंडिपेंडेंट हो, आउटपुट से टोटली इंडिपेंडेंट हो, वैसे सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कहेंगे, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक फैन लेते हैं, हम क्या लेते हैं, एक टेबल फैन ले रहे हैं, तो टेबल फैन आपका क्या हो गया, सिस्टम हो गया। टेबल फैन आपका क्या हो गया, टेबल फैन आपका क्या हो गया, सिस्टम हो गया। ठीक, अगर हमको टेबल फैन के स्पीड को कंट्रोल करना है, टेबल फैन के स्पीड को क्या करना है, कंट्रोल करना है, तब उसमें स्पीड कंट्रोल करने के लिए मेरे पास अलग से नॉब होता है, रेगुलेटर होता है। उसके रेगुलेटर को अगर हम कम और ज्यादा करते हैं, बढ़ाते हैं घटाते हैं, तो क्या होता है उसका स्पीड क्या होता है, कम और ज्यादा होता है बेस्ड अपॉन द रेगुलेटर। रेगुलेटर के अकॉर्डिंग स्पीड को हम लोग कम कर सकते हैं और नहीं तो ज्यादा कर सकते हैं। बोले सर अगर टेबल फैन के स्पीड को हम कंट्रोल कर रहे हैं तो कंट्रोलर वाला सेक्शन कहाँ पे गया, कंट्रोलर वाला सेक्शन कहाँ है इसके अंदर, तो कंट्रोलर वाला सेक्शन है ना मेरे पास। देखिए कंट्रोलर ये वाला है, मान लेते हैं कंट्रोलर का वैल्यू 0.8 है सपोज, और ये हो गया इनपुट। मान लेते हैं ये वोल्टेज दे रहे हैं, इनपुट में अगर हम सपोज वोल्टेज दे रहे हैं,
तो अगर हमको फैन के स्पीड को कंट्रोल करना है, फैन के स्पीड को कंट्रोल करना हो तो क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज को कम और ज्यादा करना पड़ेगा, वोल्टेज को कम और ज्यादा करना पड़ेगा। सपोज जो सप्लाई से जो वोल्टेज आया वो 230 वोल्ट आया, 230 वोल्ट एसी आया, 230 वोल्ट एसी आया, तो अगर हम फुल वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, फुल वोल्टेज अगर हम अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, टेबल फैन जो होगा फुल स्पीड से रोटेट करेगा, टेबल फैन क्या होगा फुल स्पीड से रोटेट करेगा। और अगर हम फुल स्पीड करने का मतलब क्या कि पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स इस टोटल वोल्टेज में हम कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टोटल वोल्टेज में हम कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर इसके स्पीड को हमको कम करना है, डिक्रीज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसके वोल्टेज को डिक्रीज करना पड़ेगा, वोल्टेज को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो इसके वोल्टेज को डिक्रीज करने के लिए हमको कुछ तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ना, बिना कांस्टेंट से, बिना कोई कांस्टेंट, ऐसा कांस्टेंट जिसका वैल्यू 1 से कम हो, बिना उससे मल्टीप्लाई किए तो 230 वोल्ट तो डिक्रीज नहीं करेगा। ऐसा थोड़ी है कि 230 वोल्ट अगर हम वायर में ले रहे हैं तो एक वायर अगर ऐसे साइड कर देंगे तो हमको 230 से थोड़ा सा कम मिलेगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो हमको जब भी सप्लाई से आएगा, जो मेन लाइन से जो वोल्टेज आएगा वो 230 वोल्ट ही आएगा, और भाई सम मीन हमको क्या करना पड़ेगा, उसके वोल्टेज को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो फैन के अंदर ऑलरेडी सेटिंग होता है रेगुलेटर का, कि उसके रेगुलेटर से हम उसके स्पीड को क्या कर सकते हैं, कम और ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा में 230 से ज्यादा नहीं कर सकते। मैक्सिमम वोल्टेज हम कितना ले सकते हैं, 230 वोल्ट ही ले सकते हैं, लेकिन हम चाहें तो उसके वोल्टेज को हम डिक्रीज कर सकते हैं। तो जब डिक्रीज करना होगा तो कोई तो ऐसा फैक्टर होगा जो 1 से कम हो, और उसी से हम इससे मल्टीप्लाई करें, तभी तो डिक्रीज करेगा ना। और जब वो फैक्टर को मान लेते 0.8 है, सपोज 0.8 है, 0.8 को अगर 230 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफकोर्स जो वोल्टेज होगा वो कम यहाँ पे आएगा। और जब वोल्टेज कम मिलेगा अगर फैन को, तो स्पीड ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिड्यूस होगा, कम होगा, कम स्पीड से रोटेट करेगा। तो ये जो कांस्टेंट है यही तो कंट्रोलर है, ये जो कांस्टेंट है यही आपका क्या है, कंट्रोलर है। जब हम आपको कंट्रोलर का सेक्शन पढ़ाएंगे, चैप्टर पढ़ने का है आप लोग को ऑलरेडी, तो वहां पे हम देखेंगे कि ये जो कांस्टेंट होता है ये भी वन टाइप ऑफ कंट्रोल होता है, ये भी आपका क्या होता है, वन टाइप ऑफ कंट्रोलर होता है, ये भी वन टाइप ऑफ क्या होता है, कंट्रोलर होता है। अगर हम इसके कांस्टेंट के वैल्यू को कम और ज्यादा करें तो हम स्पीड को क्या कर सकते हैं, स्पीड को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसके स्पीड का कोई भी सिग्नल हमको इनपुट के पास नहीं है, अगर हम इसको चेंज करेंगे डायरेक्टली इसका आउटपुट चेंज होगा। अब एग्जैक्टली उस स्पीड पे अचीव किया या ना किया हमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे पास कोई फीडबैक पाथ नहीं, कोई फीडबैक पाथ नहीं है। तो वैसा सिस्टम जिसका कंट्रोल एक्शन टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे उसको हम लोग, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कहेंगे। तो आई थिंक ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया होगा। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में एक चीज और याद ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे कोई फीडबैक पाथ नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी फीडबैक पाथ नहीं होगा। फीडबैक पाथ करने का मतलब क्या, आउटपुट का कोई इंफॉर्मेशन भेजने के लिए इनपुट के पास कोई पाथ नहीं होगा, कोई पाथ नहीं होगा, ये वाला पाथ आपका नहीं होगा, ठीक। तो ओपन लूप सिस्टम में फीडबैक पाथ नहीं होगा। और वैसा सिस्टम जिसका कंट्रोल एक्शन टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कहेंगे, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कहेंगे, ठीक है। तो अब इसका थोड़ा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कौन कौन सा सिस्टम ऐसा है जो कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल हो सकता है। तो बताइए, तो सोच करके कि कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसमें कि फीडबैक पाथ नहीं होता है, फीडबैक पाथ नहीं होता है, उसका कंट्रोल एक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट होता है। चलिए, आपके घर में वॉशिंग मशीन होगा, आपके घर में क्या होगा, वॉशिंग मशीन होगा। तो वॉशिंग मशीन बताइए तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है या क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, वॉशिंग मशीन कैसा सिस्टम है, ओपन लूप या क्लोज लूप। अच्छा, वॉशिंग मशीन से आप क्या करते हैं, वॉशिंग मशीन से आप क्या करते हैं, कपड़ा धोते हैं। वॉशिंग मशीन से आपका क्या करते हैं, कपड़ा धोते हैं।
तो वॉशिंग मशीन का जो मेन वर्क जो है वो क्या है, कपड़ा को साफ करना, कपड़ा को साफ करना। तो वॉशिंग मशीन में हम लोग जनरली क्या करते हैं, कपड़ा को डाल देते हैं। अगर सपोज मान लेते हो फुल्ली ऑटोमेटिक भी है वो वॉशिंग मशीन आपका, क्या है फुल्ली ऑटोमेटिक भी है, कपड़ा को उसमें आप डाल दिए, पानी दे दिए, डिटर्जेंट दे दिए, ठीक। अब उसके बाद वो क्या होगा, उस कपड़ा के वेट के अकॉर्डिंग, उसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो क्या होगा, वो वॉशिंग मशीन आपका रन करेगा कुछ समय के लिए। और उसके बाद जब रन करेगा उसके बाद वो क्या करेगा, सब कुछ ड्रायर से ड्राई करने के बाद वो निकाल करके आपको दे देगा। लेकिन क्या वॉशिंग मशीन को पता चलेगा कि कपड़ा साफ हुआ या ना हुआ? सपोज कोई कपड़ा आपका बहुत ज्यादा गंदा है, बहुत ज्यादा गंदा है, क्या वॉशिंग मशीन आइडेंटिफाई कर पाएगा कि अभी तक कपड़ा साफ नहीं हुआ, हमको थोड़ा सा और रोटेट करवाना है? ऐसा तो नहीं है। उसका टाइम सेट किया हुआ है कि अगर इतना वॉल्यूम अगर वो ऑक्यूपाई करता है उसके अंदर में, तो उसके अकॉर्डिंग इतना सर्फ, इतना डिटर्जेंट लगेगा, इतना पानी लगेगा, उसको इतने समय तक रोटेट करवाना पड़ेगा। वो बाय डिफॉल्ट उसमें ऑलरेडी सेटिंग प्रोग्रामिंग कर दिया गया है, लेकिन ये प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता है कोई भी कि कपड़ा जो साफ हुआ है या नहीं हुआ है। एक्चुअली कपड़ा अगर साफ नहीं हुआ है तो थोड़ा सा और देर तक उसको रोटेट करना है, थोड़ा सा और देर तक मशीन को चलाना है, उसके बाद साफ हो जाएगा, फिर आपका मशीन ऑफ हो जाना चाहिए। और सेमी ऑटोमेटिक मशीन जो है, वॉशिंग मशीन जो है, उसमें भी आप नहीं, वॉशिंग मशीन आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है कि आपका एग्जैक्टली कपड़ा साफ हुआ है या नहीं, क्योंकि मेन काम आपका वॉशिंग मशीन का क्या, कि मोटर को घुराना, क्या मोटर को घुराना तो मेन काम आपका नहीं है। मेन काम वॉशिंग मशीन का क्या है, कपड़ा को धोना। तो वॉशिंग मशीन जो है वो एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। क्यों क्यों? क्योंकि वहां पे कपड़ा कितना साफ हुआ है नहीं हुआ, इसका कोई इंफॉर्मेशन उस मशीन के पास नहीं होता है। उसको अगर आप 10 मिनट रोटेट करेंगे, 10 मिनट में रोटेट होकर बंद हो जाएगा, उसके बाद आप उसको निकाल लीजिए। अगर साफ नहीं हुआ तो फिर से आपको रोटेट करना पड़ेगा, फिर से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक। तो वॉशिंग मशीन जो होगा वो एक अच्छा एग्जाम्पल होगा किसका, वॉशिंग मशीन, ठीक। टोस्टर जो होता है, टोस्टर से हम लोग क्या करते हैं, ब्रेड को टोस्ट करते हैं। सपोज ब्रेड को हमको सेकना है तो अकॉर्डिंग टू टाइम और अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर हम सेट करते हैं। सपोज 20 सेकेंड में मेरा काम हो जाएगा, 20 सेकेंड के लिए हम रखते हैं, फिर आपका टोस्टर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो टोस्टर है वो ब्रेड को सेका अच्छे तरीके से या नहीं सेका, ये तो आप वो ये तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, वो देख नहीं पाएगा वो, ठीक। तो वो भी आपका कौन सा सिस्टम होगा, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक। जो आयरन होता है, कन्वेंशनल आयरन में क्या होता है कि जैसे जैसे पावर जाते रहता है ऑटोमेटिकली वो क्या होता है, हीट होते रहता है, ऑटोमेटिकली हीट होते रहता है, ठीक। मतलब अगर उसको हम ऑफ कर देंगे तो फिर उसका क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करने लगता है। मतलब क्या, आउटपुट जो है सर्टेन लिमिट को जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, मतलब कोई कंट्रोल मेरा इनपुट के पास है नहीं, जिसके अकॉर्डिंग वो कंट्रोल एक्शन भेजे और उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करे। तो कन्वेंशनल आयरन जो होगा वो मेरा क्या होगा, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एक एग्जाम्पल होगा, ठीक। लेकिन अगर ऑटोमेटिक कंट्रोल, अगर ऑटोमेटिक आयरन का अगर हम बात करें तो उसमें अगर आप देखें तो मेरे पास फीडबैक पाथ होता है, फीडबैक पाथ होता है। सपोज हम अगर कॉटन पे सेट कर दिए तो कॉटन के लिए जो टेम्परेचर आइडेंटिफाई वहां पे किया गया है, सेट किया गया है, उस टेम्परेचर पे आने के बाद, उस टेम्परेचर पे आने के बाद इलेक्ट्रिक आयरन क्या होता है, वो ऑफ हो जाता है। जो ऑटोमेटिक आयरन जो होता है वो क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। दैट मीन्स ऑफ क्यों हुआ, क्योंकि उस टेम्परेचर को अचीव कर गया। फिर टेम्परेचर जब डिक्रीज करता है तो फिर से क्या होता है, वो पावर सप्लाई लेने लगता है और फिर से टेम्परेचर को मेंटेन रखता है जो कॉटन के लिए चाहिए, कॉटन कपड़े के लिए चाहिए। तो अगर हम ऑटोमेटिक आयरन का बात करें तो आयरन आपका क्लोज लूप सिस्टम का एग्जाम्पल होगा, नॉट ओपन लूप सिस्टम का, ठीक। अब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है वो ट्रैफिक सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल बहुत अच्छा एग्जाम्पल। ट्रैफिक सिग्नल में बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि सर ये ट्रैफिक सिग्नल ओपन लूप सिस्टम का एग्जाम्पल होगा या क्लोज लूप सिस्टम का एग्जाम्पल होगा। तो ट्रैफिक सिग्नल एक्चुअली होता क्या है, देखिए जब आप जाते हैं, सपोज आप कॉलेज जा रहे हैं तो पटना से होकर के जाते होंगे बहुत सारे लोग तो वहां पे ट्रैफिक से जो आपको मुलाकात हुआ होगा, फंसे होंगे जरूर वहां पे, ठीक। तो वहां पे क्या होता है कि सपोज
अगर किसी एक लाइन में, किसी एक लेन में आपका बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो वहां पे ऑलरेडी टाइम सेट किया हुआ रहता है। सपोज 60 सेकेंड एक बार नॉर्थ के लिए टाइम मिलेगा, एक बार 60 सेकेंड के बाद अगला जो 60 सेकेंड होगा वो ईस्ट के लिए होगा, फिर वेस्ट के लिए होगा, फिर साउथ के लिए होगा। तो टाइम स्पेसिफाइड किया हुआ रहता है, उस टाइम तक आपका वो ओपन रहेगा, उसके बाद वो क्या रहेगा, क्लोज हो जाएगा, फिर दूसरे को चांस मिलेगा। लेकिन लेकिन ट्रैफिक सिग्नल को क्या होना चाहिए कि जब तक आपका गाड़ी पूरा पास ना हो जाए तब तक उसको मौका देना चाहिए, पास होने के लिए उसका रास्ता जो होना चाहिए क्लियर होना चाहिए, सिग्नल क्लियर होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, टाइम लिमिट होता है, उस टाइम के लिमिट के अंदर आपको क्या करना है, अगर पास कर पाए तो ठीक है, नहीं तो आप फिर से वेट कीजिए, फिर से आप वेट कीजिए। लेकिन अगर ऐसा होता, सपोज एक रूट में आपका बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, दूसरे रूट में आपका बहुत कम ट्रैफिक है, तो जिसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक है वहां पे आपको ज्यादा समय देना चाहिए, ज्यादा समय देना चाहिए। और दैट टाइम इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रैफिक, ट्रैफिक लोड, जितना ट्रैफिक लोड होगा उसके लिए ज्यादा समय। और जिस रूट में आपका कम हो, जिस रूट में आपका ट्रैफिक लोड कम हो, वहां पे टाइम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर उस टाइप का अगर सिस्टम होता तब हम उसको क्लोज लूप सिस्टम बोलते हैं। लेकिन क्या उस तरीके का सिस्टम होता है? नहीं होता है। 30 सेकेंड तो 30 सेकेंड इसके लिए, 30 सेकेंड इसके लिए, बाकी 30 सेकेंड उसके लिए। ठीक, तो ट्रैफिक सिग्नल जो होगा वो मेरा कैसा सिग्नल होगा, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होगा। ठीक, और भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, कूलर ले सकते हैं। कूलर में भी आपका तो कुछ है नहीं कि आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्परेचर आपका इतना ही मेंटेन रहेगा। कूलर अगर ऑन है तो कंटिन्यूअसली आपका कूल कूल एयर जो होगा वो प्रोवाइड करते रहेगा। तो कूलर आपका कौन सा एग्जाम्पल होगा, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल होगा। ठीक, फैन, फैन भी जो होगा मेरा क्या होगा, ओपन लूप सिस्टम का एग्जाम्पल होगा। ठीक, लेकिन अगर हम एसी का बात करें तो एसी तो आपका ओपन लूप सिस्टम नहीं होगा। ठीक, तो ये था कुछ एग्जाम्पल ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का। अब हम लोग देखते हैं क्या कि ओपन लूप सिस्टम का क्या एडवांटेज है और उसका क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है, ओपन लूप सिस्टम का जो एडवांटेज होगा, मेरा सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि इट इज सिंपलर एंड इजी टू डिजाइन। मतलब ये जो सिस्टम होगा बहुत ही सिंपल होगा और इसको हम बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। इसलिए डिजाइन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई फीडबैक पाथ नहीं होता है। ठीक, फीडबैक पाथ अगर हमको साथ में डिजाइन करना होगा तब इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बट ऐसा तो इस सिस्टम में होता नहीं है, इस सिस्टम में आपका फीडबैक पाथ नहीं होता है, तो सिस्टम बहुत ही इजी होता है इसको डिजाइन करना और ये बहुत ही सिंपल भी होता है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा जो एडवांटेज है आपका वो क्या है, लेस एक्सपेंसिव। देखिए, फीडबैक पाथ अगर होगा मेरे पास तो फीडबैक पाथ में आपके पास क्या होता है, सेंसर होता है। ठीक, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेंसर प्रोवाइड करना पड़ेगा। बट यहाँ पे आपका फीडबैक पाथ नहीं है तो सेंसर वाला तो कॉस्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करना नहीं पड़ेगा, लगाना नहीं पड़ेगा। ठीक, तो अगर ओपन लूप सिस्टम मेरे पास है, ओपन लूप अगर सिस्टम मेरे पास है तो उस सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, लेस एक्सपेंसिव होगा। क्या होगा आपका, लेस एक्सपेंसिव होगा। ठीक, देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर जो आपका एडवांटेज है, नो सेंसर्स आर नीडेड टू मेजर द वेरिएबल। ठीक, क्योंकि आउटपुट को, आउटपुट का कोई फीडबैक हमको इनपुट में नहीं देना है तो हमको कोई सेंसर का जरूरत नहीं पड़ेगा उसके आउटपुट को मेजर करने के लिए, उसके वेरिएबल्स को हमको मेजर करने के लिए। तो इससे आपका कॉस्ट जो होगा रिड्यूस होगा। ठीक, तो ये है आपका कुछ एडवांटेज ओपन लूप सिस्टम का। अब इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसका एक्यूरेसी जो होता है नहीं होता है, इसका एक्यूरेसी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सेलिंग फैन ही है, उसके स्पीड को अगर हम कम करना चाहते हैं, क्या 300 से एग्जैक्टली हम 250 पे ला सकते हैं उसके स्पीड को? नहीं ला सकते। और 250 पे, 255 पे भी हो सकता है, 245 पे भी हो सकता है, हम वहाँ पे उसके एक्यूरेसी को मेंटेन नहीं कर सकते। मतलब हमको एग्जैक्टली जो हमको चाहिए, एग्जैक्टली जो हमको चाहिए वो चीज़ हमको कभी भी ओपन लूप सिस्टम से हमको नहीं मिल सकता। ठीक, सेकेंड नंबर जो पॉइंट है ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कौन कौन सा कंपिटेटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है, कंपिटेटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। फाइव स्टार फॉर दिस पॉइंट।
देखिए ओपन लूप सिस्टम जो होगा वो हाईली सेंसिबल टू सिस्टम पैरामीटर वेरिएशन होगा, हाईली सेंसिटिव टू सिस्टम पैरामीटर वेरिएशन होगा। कहेगा सर कैसे हाईली सेंसिबल होगा, ओपन लूप सिस्टम तो लेस सेंसिबल होना चाहिए क्योंकि आउटपुट में तो एक्यूरेसी हमको मिल नहीं रहा है, आउटपुट में एक्यूरेसी हमको मिल नहीं रहा। तो देखिए इसको हम समझते हैं अच्छे तरीके से, कैसे आपका लेस सेंसिबल होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझना। देखिए ये आपका सिस्टम हो गया और ये आपका कंट्रोलर हो गया, ये आपका क्या हो गया कंट्रोलर और ये आपका क्या हो गया सिस्टम। अब ये आपका ओपन लूप सिस्टम है, ओपन लूप सिस्टम है ठीक, ये आपका इनपुट हो गया, ये कौन सा इनपुट होता है रेफरेंस इनपुट ठीक, और ये आपका क्या हो गया आउटपुट। तो सिस्टम पैरामीटर वेरिएशन कहने का मतलब हुआ ये सिस्टम सपोज मान लेते हैं मोटर ही है, सपोज मोटर है आपका ठीक, तो मोटर का जो पैरामीटर होगा उस मोटर को पैरामीटर क्या हो सकता है, तो मोटर का कुछ रेसिस्टेंस होगा, इंडक्टेंस होगा एंड सम वैल्यू ऑफ कुछ कैपेसिटेंस भी इफेक्ट होता है, बट इसका बहुत नेग्लिजिबल होता है, तो इसको हम लोग निगलेक्ट करके चलते हैं। लेकिन रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस तो आपका मेजर पैरामीटर है फॉर द मोटर, क्योंकि उसके अंदर वो क्या होता है वाइंडिंग होता है, तो वाइंडिंग अगर होगा, वाइंडिंग अगर होगा तो उसका रेसिस्टेंस होगा, कंडक्टर है रेसिस्टेंस होगा, और उसमें अगर हम टर्न्स दे रहे हैं फ्लक्स डेवलप हो रहा है, फ्लक्स लिंकअप हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा इंडक्टेंस मिलेगा हमको, इंडक्टेंस मिलेगा। तो रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस आपका क्या होगा मेजर पैरामीटर होगा इसके लिए सिस्टम के लिए। तो अगर हम सिस्टम को रोटेट कर रहे हैं, सिस्टम को हम क्या कर रहे हैं रोटेट करें, दैट मीन्स हम सिस्टम को ऑलरेडी वर्क करवा रहे हैं, प्रोसेस में वो चल रहा है, तो क्या होगा आफ्टर 1 आवर और आफ्टर 2 आवर उसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा इंक्रीज करेगा, और जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर डायरेक्टली किसको अफेक्ट करेगा रेसिस्टेंस को अफेक्ट करेगा, डायरेक्टली किसको अफेक्ट करेगा रेसिस्टेंस को अफेक्ट करेगा ठीक। तो इसका अगर हम पैरामीटर वेरिएशन अगर करेंगे, तो अगर रेसिस्टेंस का पैरामीटर का वेरिएशन रेसिस्टेंस अगर वेरी करेगा तो उसकी वजह से आउटपुट आपका डिफेक्ट हो जाएगा, आउटपुट में जो हमको स्पीड चाहिए वो स्पीड क्या होगा वो स्पीड आइदर डिक्रीज कर जाएगा और इंक्रीज कर जाएगा, आइदर स्पीड डिक्रीज कर जाएगा और इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर स्पीड इसका इंक्रीज और डिक्रीज करता है तो क्या उसको हम लोग इनपुट से कंट्रोल कर पाएंगे, इनपुट से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स अगर हम इसमें चेंज लाएंगे, अगर हम इसका चेंज लेके आएंगे, तो इस चेंज से डायरेक्टली क्या होगा आउटपुट अफेक्ट होगा, आउटपुट अफेक्ट होगा। तो अगर आउटपुट अफेक्ट हो रहा है रेसिस्टेंस को चेंज होने से, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ये रेसिस्टेंस के लिए हाईली सेंसिबल है, रेसिस्टेंस अगर चेंज होगा उसका स्पीड आपका डायरेक्टली चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई तुमको कोई आप लोगों को कुछ कोई सेंसिटिव नेचर का जो लोग होते हैं, तो उनको अगर एक थाप मारेगा तो दो थाप आपको मारेंगे, क्योंकि उसका जो रिएक्शन होगा बहुत ही खतरनाक होगा ठीक। तो क्यों होगा रिएक्शन खतरनाक, क्योंकि वो हाईली सेंसिबल है, अगर उसको एक तमाचा अगर मारे तो आपको दो चार तो आपको लगा ही देगा, एक आध दो को गुस्सा भी लगा देगा साथ में। तो वैसा नेचर के लोग क्या होते हैं हाईली सेंसिबल होते हैं। सिमिलरली वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है, अगर थोड़ा सा रेसिस्टेंस आपका चेंज होगा आउटपुट आपका ज्यादा चेंज हो जाएगा, आउटपुट जब ज्यादा चेंज होगा तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये जो ओपन लूप सिस्टम है आपका वो हाईली सेंसिबल है टू द सिस्टम पैरामीटर वेरिएशन, टू द सिस्टम पैरामीटर वेरिएशन। और अगर किसी वजह से कोई डिस्टरबेंस भी सिस्टम में आता है, एक्सटर्नल डिस्टरबेंस भी अगर सिस्टम में आएगा, तो उससे भी क्या होगा आउटपुट आपका डायरेक्टली चेंज हो जाएगा, और डायरेक्टली जब आउटपुट चेंज होगा तो इसका कोई भी इंफॉर्मेशन या इसको कंट्रोल करने के लिए मेरे पास कोई ऐसा फीडबैक पाथ नहीं, कोई ऐसा पाथ नहीं है जो कि जिससे कि हम इनपुट से इसको कंट्रोल कर सकते, जिससे कि हम इनपुट से कंट्रोल कर सकते हैं ठीक। तो ये दो चीज के लिए हाईली सेंसिबल होगा, एक सिस्टम पैरामीटर वेरिएशंस और एनी डिस्टरबेंस कम इन द फॉरवर्ड पाथ ऑफ द ओपन लूप सिस्टम, इन द फॉरवर्ड पाथ ऑफ द ओपन लूप सिस्टम ठीक, दोनों के लिए क्या होगा हाईली सेंसिबल होगा। इट नो नो कंपेंसेशन फॉर डिस्टर्बेंसेस, नो कंपेंसेशन फॉर डिस्टर्बेंस, मतलब अगर कोई डिस्टर्बेंस अगर आएगा, जैसे अभी हम बताए आपको
कि अगर इसके अंदर कोई डिस्टरबेंस आया तो इसको कंपेंसेट करने के लिए मेरे पास कोई पाथ नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा डिजाइन हम इसमें नहीं किए हैं जिसके कि इसके 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 डिस्टरबेंस को क्या कर सके, कंपेंसेट कर सके। तो ओपन लूप सिस्टम में आपका कंपेंसेशन प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन अगर यही अगर हम जब कल क्लोज लूप सिस्टम में एग्जाम देखेंगे तो क्लोज लूप सिस्टम में क्या होगा, वहां पे कंपेंसेशन रहेगा ड्यू टू द फीडबैक पाथ। तो ये आपका अप टू दिस आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम था, ये आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कंप्लीट हो गया। और इसके बाद आपका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में थोड़ा सा आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन का जरूरत है, तो उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपका डेमो क्लास कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 दिन का डिले हो गया है, तीज पूजा की वजह से वीडियो हम नहीं बना पाए थे, तो आप लोग का ऑफर भी 2 दिन के लिए एक्सटेंड हो गया। तो अप टू 24, टुडे इज 23, अप टू 24 तक आप पेमेंट 600 रुपीज करेंगे, बट उसके बाद अगर कोई पेमेंट करते हैं तो उनसे हम 700 रुपीज ही लेंगे, वो उसमें आपका कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। सो जो भी एडमिशन करवाना चाहते हैं अप टू 24 करवा लीजिए, आपके लिए बेटर है, अदरवाइज उसके बाद आपको 700 रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर ये चीज आपको समझ में आया हो तो जरूर आप अपने फ्रेंड के बीच में इसको शेयर करेंगे, और एक लाइक तो आपके लिए बनता ही है डिस्टर्बेंस के लिए। ठीक है, थैंक यू।